कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 22 साल के इसे झारखंड में बहुत बार खतियान की बात हुई, खतियान लागू नहीं हुआ। 1932 बहुत बड़ा मुद्दा झारखंड में बन चुका है, उसमें सबसे बड़ा नाम जयराम महतो का पिछले कुछ दिनों से लगातार सुनने में आया है, लगातार आप सुन भी रहे हैं। ऐसे में हम आइए इनसे बात करते हैं। जयराम महतो जी यहाँ पर हैं। जयराम महतो जी, आपको टाइगर बोला जाए, आपको क्रांतिकारी बोला जाए, योद्धा बोला जाए, या फिर झारखंड की आवाज बोला जाए, क्या बोला जाए? सर आप जो नाम दें स्वीकार, या कोई नया नाम भी ऐड कर सकते हैं। पसंद, नेता पसंद है आपको? देखिए नेता शब्द पसंद क्यों नहीं होना चाहिए, नेता शब्द हमारे लिए गौरव का विषय है, क्योंकि ये शब्द नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए था, तो अगर उस शब्द से कोई नवाजता है तो हमें ये तो गौरव होना चाहिए। नेता बनना चाहते हैं झारखंड के? देखिए फिलहाल ऐसा कोई इंटेंस नहीं है, लेकिन परिस्थिति की मांग जो भी होगी स्वीकार होगा। आप राजनीति को बड़ी बारीकी से समझते हैं, बहुत बारीकी से समझते हैं। जब अपनी बात आप कहते हैं तो आप यह भी कहते हैं कि झारखंड का एक ऐसा लड़का जो माड़ भात खाता है, लोगों को पसंद नहीं आता, आप यह भी कटाच कहते हैं करते हैं कि किसमिस खाने वाले, बादाम खाने वाले, उनके बच्चे तेज दिमाग वाले नहीं हुए तो उनको अफसोस होता है, और जब जयराम झारखंड की बात करता है तो लोगों के दिल पर लगती है, क्यों कहते हैं ऐसा? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि आज भारत की बात करें या झारखंड राज्य की बात करें, यहाँ परिवारवाद हावी है, नेपोटिज्म बहुत हावी है, कि विधायक जी चाहते हैं उनका बेटा विधायक बने, मंत्री चाहते हैं उनका बेटा मंत्री बने, तो उसी क्रम में अगर कोई नया लड़का उनके सामने आके खड़ा हो जाए, जिसे कोई कल तक जानता नहीं था, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसके रहने खाने पहनने का ठिकाना नहीं है, चलने का ठिकाना नहीं है, अगर ऐसे लड़के अगर सामने आके खड़े हो जाए, उनकी सत्ता को चुनौती दे, तो निश्चय ही उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। आप झारखंड के नब्ज को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ चुके हैं, आप नेताओं को भी जमकर लताड़ते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री हो या कोई भी नेता हो, आने वाले समय में आप अपनी वो जगह बना रहे हैं कि आप चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। आपने एक बार कहा टुंडी से चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं देखिए मैंने कहा नहीं था, प्रेस वाले ने, चूंकि उन्हें पता नहीं कहाँ से उन्होंने छापा था, और ऐसा कोई अभी तक इंटेंस नहीं है चुनाव लड़ने का, अगर रहता तो पंचायत चुनाव में कहीं ना कहीं मेरी भागीदारी होती, लेकिन अभी चूंकि मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकता है आंदोलन के लिए, और हम लोग अपना जो समय है अपना सर्वस्व हम लोग त्याग किए हैं आंदोलन के लिए, उसके बाद परिस्थिति जो भी होगी उसे स्वीकार करेंगे। आप यह भी कहते हुए सुने गए हैं या फिर लोगों ने कहा है कि बड़ा तेज लड़का है, नजर रखो इस पर, कौन कौन नजर रख रहा है आपके ऊपर? नजर तो रखा जा रहा है, काफी लोग नजर रख रहे हैं, बहुत सारे लोग डैमेज करने के लिए, हमें कंट्रोल में रखने के लिए काफी अपना धनबल का भी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम अपने अनुशासनहीनता का परिचय नहीं दिए हैं, अनुशासन के साथ चले हैं, अपने शब्दों में मर्यादा का प्रयोग किए हैं, अगर अगला व्यक्ति के प्रति अगर गुस्सा भी प्रकट करना हो तो मैंने मर्यादित शब्दों का ही प्रयोग किया है, इस कारण आज फिलहाल अभी तक तो सुरक्षित हैं, और प्रयास करेंगे आने वाले समय आंदोलन को और खुद को सुरक्षित रखें। यह भी देखा गया कि जो इस आंदोलन से जुड़े थे, जो आपका समर्थन कर रहे थे, जिसमें नाम गीता श्री राव जो पूर्व मंत्री रही हैं, अब कहीं ना कहीं विरोध भी करती हैं, वो कहती हैं कि आप एजेंट हैं, ये बातें कहीं ना कहीं उस लिहाज से भी आती है जब आप स्कॉर्पियो से चलते हैं, जब आपके पीछे काफिला चलता है, कहाँ से ये बात आती है, कहीं से फंडिंग हो रही है, एजेंट हैं किसे क्या आप? देखिए पहली बात मैंने बार बार कहा कि व्यक्ति का समय एक जैसा नहीं होता है, अब मेरा ऐसा बात नहीं, मैं एक स्टूडेंट भले हूँ लेकिन मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो सक्षम है, जो एक स्कॉर्पियो रख सकते हैं और उसमें अगर पेट्रोल भर दिया जाए तो वे स्कॉर्पियो को दे सकते हैं। अगर आज की बात करें तो आज बारिश हुई है, आप भी शायद बारिश का सामना किए होंगे, आज मैं तोपचांची से हजारीबाग आया हूँ, लगभग 110 किलोमीटर पड़ता है, मैं दो चक्का से आया हूँ, वही भींगते भींगते आया हूँ। अच्छी बात है, तो जब नाम बड़ा हो गया तो स्कॉर्पियो वाला दोस्त मिल गया, और नाम बड़ा हो जाएगा तो फॉर्चूनर वाला भी मिल जाएगा, तो उसको भी स्वीकार करेंगे? नहीं मेरा इंटेंस है, मैंने बहुत सारे लोगों से स्पष्ट कहा है कि जो अभी जो दोस्त स्कॉर्पियो वाला है जिसने बुरे वक्त में साथ दिया है उसी के साथ हमेशा रहेंगे, उसी को रखेंगे और उसी के साथ रहेंगे। अच्छा लॉजिकल आप बहुत बात करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से अपने चयन भी शब्दों का करते हैं और बातों को बड़े अच्छे तरीके से रखते हैं। आप इस 32 के खतियान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे झारखंड में लड़ रहे हैं, और एक कुनबा भी तैयार हो गया, आपके पीछे फौज दिखती है, आप जहां जाते हैं युवाओं का जोश भी दिखता है। आप मुझे ये समझाइए झारखंड में जो सरकार चल रही है आप उससे मांग कर रहे हैं, इस सरकार में कांग्रेस है, इस सरकार में राजद है, लॉजिकली आपको लगता है कि झारखंड की सरकार वो स्थानीय नीति को लागू कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस को बिहार में भी चुनाव लड़ना है और राजद के बारे में तो कहने की जरूरत नहीं है, तो बताइए कि लड़ाई आप लॉजिकली कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये लड़ाई लॉजिकली व्यवस्था परिवर्तन की ओर लेकर जा रहे हैं, लोगों में जो आक्रोश है उस आक्रोश को मत में और सरकार के विरोध में जो आवाज बने उसके खिलाफ तैयार कर रहे हैं, और मेरी मांग यही है और संदेश भी यही है और झारखंड के युवाओं से विशेषकर आह्वान यही है कि 1985 में असम के तर्ज पर आने वाले 2024 में जो झारखंड में सरकार का गठन हो वो युवाओं की सरकार बने,
ये जो भी पॉलिटिकल पार्टियां अब तक जिन्होंने झारखंड में रूल किया है, सबने डायरेक्ट इनडायरेक्ट झारखंड को केवल और केवल छलने का काम किया है। उन्होंने केवल और केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही राज्य को और सत्ता को चलाने का काम किया है। बाकी जेन्युइन मुद्दों की अगर बात करें जिसके लिए आज झारखंड लगातार संघर्ष कर रहा है, पहचान के लिए, और पहचान होनी चाहिए, सबकी पहचान है। हम कुछ दिन पूर्व बंगाल गए थे, बंगाल के पूर्व विधायक से मिले, उन्होंने भी कहा बंगाल की अपनी पहचान है। हमारे साथी छत्तीसगढ़ गए आरटीआई के लिए, वहाँ भी छत्तीसगढ़ वासियों की अलग पहचान है और हमें कोई आपत्ति नहीं है। गुजरात में गुजराती की पहचान है, महाराष्ट्र में मराठी की पहचान है। तो हमारी जो लड़ाई है वाजिब है, नैतिक है और संवैधानिक है कि झारखंडी सब कोई नहीं हो सकता। सर आपने जो बताया वो सही है, लेकिन आप अपनी बातें बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप थोड़ा राजनीति को समझिए और उस बात को समझते हुए उसका जवाब दीजिए कि झारखंड में जो सरकार चल रही है, मैं पूछ रहा हूं कि कांग्रेस और राजद साथ में गठबंधन में है, ऐसे में जो दबाव है सरकार के ऊपर उसमें स्थानीय नीति लागू होना कहीं से भी तर्कसंगत नहीं दिखता है, तो वैसे में आप क्या करेंगे? कोई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे, चुनाव में जाएंगे, चुनाव जीतेंगे तब जाकर कुछ करेंगे, क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए पहली बात तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को समझनी चाहिए, कांग्रेस का लगभग खात्मा हो चुका था झारखंड में। यदि कांग्रेस आई है तो केवल और केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी ने जो सत्ता 5 साल चलाया उससे जो आक्रोशित थे लोग, आदिवासी मूलवासी विशेषकर, उसके कारण जेएमएम के साथ आई है। और कांग्रेस अगर आई है तो जेएमएम के साथ होने के कारण आई है, वरना झारखंड में कांग्रेस का अस्तित्व लगभग मिट चुका था। और दूसरी बात, जब अपने हित की बात आती है तो जेएमएम अपना अड़ियल रूप दिखाते हैं। जैसे अभी देखिए राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने अलग प्रत्याशी दिया, जेएमएम ने अलग प्रत्याशी दिया, फाइनली कांग्रेस को जेएमएम के साथ होना पड़ा, चूंकि वो अपना आपका एक सीट का मामला था, आपके एक प्रत्याशी का मामला था, आपके निजी लाभ का मामला था, क्योंकि आप राज्यसभा लोकसभा लगभग निजी लाभ ही दिखता है। तो फिर आप झारखंड के हित के लिए कांग्रेस को अपने साथ क्यों नहीं ले सकते हैं? और नहीं ले सकते हैं तो फिर 2024 की तैयारी युद्ध करें। हम यहाँ से हजारीबाग, हमारे झारखंड राज्य के सबसे पुराने जिले से तमाम राज्यवासियों को संदेश देना चाहेंगे, 2024 की तैयारी की जाए। पार्टी बनाएंगे? पार्टी जनता बनाएगी और कैंडिडेट भी इस बार जनता ढूंढेगी। आप सुप्रीमो होंगे? नहीं, इस बार सुप्रीमो जनता होगी। आप नहीं होंगे? कुछ तेज होंगे, एक तेज तरार नेता होंगे सर? हो सके हम सिचुएशन के अनुसार सलाहकार हो सकते हैं, सलाह देंगे, क्योंकि भाजपा भी देखिए तो इसमें मुखर नहीं है, खुलकर नहीं बोलती है, पर्दे के पीछे रहती है। क्योंकि 2019 का जो चुनाव हुआ, 28 जो आरक्षित जो आदिवासी सीट है उसमें से 26 हार गई थी। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि समर्थन करना है नहीं करना है, सारी बातें, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, उचित नहीं समझते। लेकिन जो चीजें दिखती हैं लोगों को, जो दिखता है दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो कहीं ना कहीं से वो एंगल बनता है। देखिए निश्चय ही इस चलती हुई आग में भारतीय जनता पार्टी हाथ नहीं डालेगी, क्योंकि वो जानती है जो झारखंडी लोग हैं वो झारखंडी सेंटीमेंट के साथ हैं, और भाजपा और कांग्रेस से वे कभी भी विमुख हो सकते हैं। इसीलिए वो एक नया काम कर रही है। अंदरूनी आंकड़े करते हैं कि प्रत्येक साल झारखंड में 36,000 आबादी आके शिफ्ट हो रही है। वो जानती है कि झारखंड में जो झारखंडी सेंटीमेंट है वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकती है, वो अन्य मुद्दों के साथ जा सकती है, लेकिन जो सेंटीमेंट है जल जमीन जंगल का, जो सेंटीमेंट झारखंड का है, वो कभी बीजेपी के साथ नहीं हो सकता है। तब उन्होंने क्या किया, इन्हें छोड़कर वे नए प्लानिंग के साथ काम कर रही है। और ये झारखंड वासियों को भी समझना होगा, ये अंदरूनी आंकड़े कहते हैं, एक अधिकारी ने मुझे ये आंकड़े भेजे हैं, प्रत्येक साल 36,000 आबादी अन्य राज्यों की यहाँ आके बस बसाव कर रही है और शुद्ध रूप से बीजेपी के वोटर बन रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, जब आप चले थे तो एक दौड़ की तरह चले थे, बहुत लोग साथ में थे, रन फॉर खतियान के लिए भी दौड़ हुई, उसमें बहुत सारे लोग थे, अब आप अकेले दौड़ रहे हैं। देखिए अगर आप में कोई लोभ ना हो, मोह माया ना हो, अगर आप विशुद्ध रूप से निष्ठापूर्वक अगर किसी आंदोलन को लेकर चलते हैं तो वे लोग आपसे ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। जो लोग इसमें कुछ लाभ की अपेक्षा रखते थे, कुछ अन्य स्रोत ढूंढते थे, और फाइनली एक दिन ऐसा आएगा इस आंदोलन में जो आम व्यक्ति है जिसे झारखंड का भविष्य सुरक्षित कैसे करना हो इस पर चिंतन मंथन करता हो, वे लोग ऑटोमेटिकली इस आंदोलन से जुड़ेंगे। तो मतलब ये कह दिया जाए जो भी लोग थे जो हट गए सब स्वार्थ सिद्धि के लिए थे? संभव है, यदि आंदोलन को बीच मझधार में छोड़कर वे चले जा रहे हैं तो निश्चय ही उसमें उन्होंने कुछ अपना निजी देखा होगा, जब उसकी प्राप्ति होने में असमर्थता दिखी तो शायद वे बायकॉट करने लगे। आप संगठन की बात करते हैं, आप समूह की बात करते हैं, आप एकजुटता की बात करते हैं, ऐसे में अलग अलग संगठन बनाकर लड़ाई जो लड़ रहे हैं इस नियोजन नीति के लिए, स्थानीय नीति के लिए, 1932 के लिए, कमजोर नहीं हो रहा है? मैंने पहले भी कहा था और इस बार भी यही कह रहा हूँ कि आंदोलन का प्रारंभ छात्रों ने किया था, तो अगर कोई संगठन बने, कोई समिति भी बने और कोई पार्टी भी बने तो छात्र ही बनाएंगे। बाकी जो लोग हैं जो पूर्व में राजनेता रह चुके हैं, विधायक सांसद रह चुके हैं, उनका स्वागत होगा एज ए सलाहकार, उसके नेता आप ही रहेंगे, नेतृत्व छात्र करेंगे। बस हम ये सुनना चाहते हैं, लोग भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि लोग आपको पसंद करते हैं। छात्र खुल के बताइए, वे नेतृत्व छात्र करेंगे, छात्र जिसके हाथों में नेतृत्व की कमान सौंपेंगे वो सहर्ष स्वीकार होगा और सब कुछ जयराम जी देखेंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक दिमाग से हर चीज नहीं चलता है। आपके आपके नाम से ही पूरे झारखंड में कोहराम है, नेताओं में खलबली मची हुई है कि ये जयराम आगे जाकर क्या करेगा, नजर रखो इस पे। हाँ ये तो सही बात है, और बहुत सारे लोगों ने किसी ने आतंक कहा तो किसी ने गुंडा कहा, लेकिन फाइनली सबकी नजर हम पर है
और ज्यादा कुछ करें या ना करें, इन नेताओं की सबकी कब्र जरूर खोद देंगे। जो माहौल बन रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर घमंड भी आ रहा है, क्योंकि आप किसी को साथ लेकर चल ही नहीं रहे, सबको छोड़ दिया, बोल दिया कि स्वार्थ सिद्धि के लिए आए थे या फिर अपने काम से आए थे, आप बिल्कुल अकेले चल रहे हैं, आपको समझ में आ गया कि क्या करना है? देखिए, पहली बात, कुछ भी हो सकता है, हम लोग में घमंड नहीं हो सकता है, खासकर चूंकि मेरा परिवेश एक मेरी माँ ने किया है, मेरे पिताजी का ध्यान एक साल में ही हुआ था। एक स्त्री जब किसी को परिवेश करती है, सब कुछ सिखा सकती है, घमंड और एटीट्यूड नहीं सिखा सकती है। इसलिए मैंने बहुत करीब से देखा है अपने संघर्ष को, आज भी मैं संघर्षशील हूँ। आज भी जब बारिश का मौसम हो, आप चैनल कहिएगा, मेरे घर से बूंदा बूंदी बारिश नीचे तक जाती है। तो हम लोग में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये घमंड एटीट्यूड, इनसे हम लोग कोसों दूर हैं। झारखंड का कौन नेता पसंद है आपको फिलहाल इस मोमेंट? अभी के संदर्भ में बताइएगा। अभी के संदर्भ में कोई पसंद नहीं, कोई नहीं, नहीं, कोई नहीं, सोचिए थोड़ा, एक मिनट। इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि किसी की आवाज आती ही नहीं है झारखंड की। भाजपा, झामुमो, कांग्रेस, कहीं से कुछ नहीं, कहीं से कुछ नहीं दिखता है। कुछ नहीं मतलब पार्टी बनाइएगा फिर, हम लोग फिलहाल ये पक्का है, समय नहीं है जवाब देने का, लेकिन कहीं ना कहीं से इशारा तो है, पसंद ही नहीं है कोई आपको? देखिए, चूंकि जिस दिन वे लोग झारखंड के लिए बोलेंगे या फिर वे इस्तीफा दे देंगे, जो नेता इस्तीफा देते हुए आएंगे, जो भी विधायक हैं, चाहे पक्ष में हो विपक्ष में, जो लोग इस्तीफा देते हुए आते, खासकर जो सरकार में बैठे लोग अगर इस्तीफा देते हुए आएंगे तो उन्हें दिल से पसंद करेंगे। भाजपा समर्थन कर देगी तब? देखिए, भाजपा समर्थन करने के बाद भी भाजपा के साथ नहीं जा सकते, वो केंद्रीय पार्टी है और केंद्रीय पार्टी के दांत, खाने के दांत अलग होते हैं, दिखाने के दांत अलग होते हैं। तो इसलिए उसके साथ जाना, वो कभी भी आपका राजनीतिक करियर कहीं भी आपके राज्य को, आपके विचारधारा को ले जाकर खत्म कर सकती है। तो इसलिए कुछ भी हो जाए, केंद्रीय पार्टी के साथ नहीं जाना चाहिए। मुझे झारखंड, तमिलनाडु, झामुमो को मौका देंगे? देखिए, झामुमो का अगर लक्षण होगा तो राज्य की जनता मौका देगी, और नहीं तो झामुमो लगभग अपने पतन के कगार पर, और जो भी क्षेत्रीय पार्टियां, नई क्षेत्रीय पार्टी का जन्म होगा। अभी बहुत एक मुद्दा गर्म हो चुका है, जो कोहराम एक तरीके से जो चल रहा है, अग्निपथ को लेकर, रोजगार दे रही थी सरकार, समस्या क्या आ गई? देखिए दादा, रोजगार की बात तो ठीक है, लेकिन 4 साल क्यों? इससे पहले तो 18 साल का होता था आर्मी का, तो अब 4 साल क्यों? दूसरी बात, अगर आप इसको जोड़ना ही चाहते हैं इसराइल के तर्ज पे, तो इसराइल में प्रधानमंत्री का बेटा भी 3 साल के लिए आर्मी कहलाता है। क्या यहाँ अमित शाह, क्या यहाँ राजनाथ सिंह, क्या यहाँ निर्मला सीतारमण, क्या उनके बेटे यहाँ पर आएंगे? नहीं आएंगे। उनके बेटे कहाँ जाएंगे? क्रिकेट का कौन है जानते हैं, और बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेंगे। तो ये देश को, देश के युवाओं को जो भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें लॉजिकली सोचना होगा कि ये कहाँ लेके जा रहे हैं। तो हमें भावनाओं को तो सर आप भी टच कर रहे हैं ना, खतियान बोल के। देखिए, तो ये हमारी भावना कोई गलत नहीं है, हम ये भावना, ये एक्चुअली हमारी पहचान है और ये हमारी सम्मान है, और आने वाला भविष्य भी हमारा इसी सुरक्षित होगी। लेकिन जब आप अगर अग्निपथ की बात करें, अग्निवीरों की बात करें, तो 4 साल क्यों? और जो लोग कहते हैं कि ये नौकरी नहीं राष्ट्रवाद है, लोग राष्ट्रवाद सीखेंगे, तो राष्ट्रवाद का ठेका क्या गरीब किसान के बेटे ने लिया है? अगर अमीरों ने लिया है तो चलिए सर्वे करते हैं और हमको दिखाइए, सेठ साहूकार, धनी व्यक्ति जो कॉरपोरेट से पूंजीपति हैं, उनके कितने बेटे आर्मी में हैं? नहीं है सर, नहीं है, थर्ड फोर्थ ग्रेड में एक भी नहीं है। मेरे एक भाई है, उनका दोस्त एक सेठ जी है, वो स्पष्ट बोला कि हम लोग को अगर दरोगा के नीचे का जो भी रैंक स्वीकार होगा, दरोगा के बाद हम लोग अगर कोई 2 लाख पैसा दे के बोलेगा करो, तो हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन नाम नहीं बताएंगे। एक सेट के बयान बता रहा हूं। तो राष्ट्र, ये जो राष्ट्रवाद है, ये जो देशभक्ति है, ये केवल और केवल गरीबों को उलझाने के लिए है, इन्हें मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए। जब ये शिक्षा की बात करें तो वंदे मातरम, जब ये रोजगार की बात करें तो पाकिस्तान के टमाटर का रेट बढ़ा है, जब ये अच्छे स्वास्थ्य की बात करें तो पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुद्दों को केवल डाइवर्ट किया जा रहा है। अरे भाई ठीक है, राष्ट्रवाद हम भी हैं, तो राष्ट्रवाद आप क्यों नहीं? राष्ट्रवाद सबको होना चाहिए, अमिताभ बच्चन को भी राष्ट्रवाद होना चाहिए, उनको विवो का जो विवो का जो प्रचार कर रहे हैं उनका बंद करना चाहिए, जो भारतीय टीम ओप्पो का प्रचार की थी वो बंद होना चाहिए था। मुख्यमंत्री के बारे में क्या करेंगे? बहुत कुछ चल रहा है, खाद्यान्न लीज मामले में भी जांच चल रही है, जवाब मांगा जा रहा है। मैंने स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री के पास केवल एक चेहरा है कि आदिवासी मुखोटा, लेकिन मुखोटे के पीछे सब अन्य राज्यों के घुसपैठिए लोग काम कर रहे हैं। दूसरा बात, ये आदिवासियों को भी समझना होगा। तो क्या मतलब कहते हैं कि घुसपैठिया ही दिलवा दिया उनको खदान? संभव है, क्योंकि जो हमारे झारखंड के लोग हैं ना, आज भी उनमें नहीं समझ पाए कि समझ नहीं पाते हैं। मधुकोड़ा का उदाहरण ले लीजिए, सीएम साहब का कहानी प्लान कर दिया, बारीकी से जांचिए, जिस दिन अच्छे से जांच आएगी सामने कुछ लोग आएंगे जो इस राज्य से वास्ता नहीं रखते। मुख्यमंत्री के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, मतलब वो नहीं समझ पाते हैं चीजों को, उनको बरगला देता है, लोग खदान ली जैसे ही दे दिया। देखिए, मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो माननीय अपने केवल और केवल अपने परिवार को बढ़ाने के लिए आए हैं, परिवार की पूंजी बढ़ाने के लिए आए हैं। पहले तो परिवार में जो उनके डैड खून के रिश्ते थे, उनके पास टिकट होते थे, अब तो सुनने में आया साली और सलज के नाम में भी कहीं लीज है, कहीं पट्टा है। तो ये स्पष्ट है, बातें स्पष्ट हो रही हैं। वे उन्हें बहुत दिन बाद सत्ता मिली है, सत्ता का भरपूर आनंद लेने के लिए आए हैं। पहले चलते थे मारुति में, मारुति के बाद स्कॉर्पियो आए, अब कोई ऑडी आ गए, 3D आए, गाड़ी का नाम हम लोग नहीं जानते, गरीब लोग हैं, सुने फॉर्चूनर, तो दिस दैट बढ़ रहा है।
एक कथा था दादा, ऐसा ऐसा तो नहीं है ना कि जो कुछ चल रहा है आगे जाकर आप पार्टी बनाते हैं तो कई बार चुनाव में ये भी होता है, खासकर राष्ट्रीय पार्टी के साथ यूज करती है चीज़ों को, आप चुनाव जीतने के लिए नहीं हराने के लिए सिर्फ हो जाएं पार्टी बनाकर। देखिए, अगर हम तो पहले ही कह दें कि अगर हमारे हित में नियम नहीं बनते हैं तो ये आंदोलन को हम लोग एक दिन विद्रोह का रूप देंगे, चाहे अच्छा कहें बुरा कहें चाहे जो भी हो, आने वाले दिन चाहे सीने पे गोलियां क्यों नहीं खानी पड़े, लेकिन जब निकल चुके हैं तो हम लोग फीडबैक नहीं होंगे, एक बहुत बड़ा विद्रोह का रूप देंगे। और उस तर्ज पर यह विद्रोह होगा जब बड़ी बड़ी राजाओं के सल्तनत को हिलाकर रखने का काम किया था, उस तर्ज पर इस आंदोलन को हम लोग विद्रोह का रूप देंगे। अगर काम बनता है, अगर हमारे हित में नियम नियमावली बनते हैं तो ठीक है, नहीं तो पार्टी बने या ना बने लेकिन ये आंदोलन विद्रोह का रूप जरूर धारण करेगी। ऐसा तो नहीं सिर्फ एजेंडा बनकर रह जाएगा, मुद्दा बनकर रह जाएगा और गौण हो जाएगा, क्योंकि 22 साल से यही कुछ चल रहा है झारखंड। देखिए, इस बार गौण नहीं होगा क्योंकि इससे पहले जो नेतृत्व होता था वे कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग करते थे, अब किसी भी मूवमेंट में जाए राजनीतिक लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे, इसमें कहीं दूर दूर से राजनीतिक लोग नहीं है। वे लोग अगर मंचों में भी आते हैं तो हम लोग पहले बोलते हैं लेटर पेड में इस्तीफा दिखाइए तब मंच में हम लोग। आपको भी चमक दमक दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, तो आप क्यों नहीं बदल जाइएगा? लोग बदलते हैं तो आप भी तो बदल सकते हैं। इसलिए नहीं बदलेंगे क्योंकि आप अगर चाहें तो फिलोसफी के इतिहास पढ़ सकते हैं, चाहे कॉल मार्क्स हो, डॉक्टर अम्बेडकर हो, भगत सिंह हो या अन्य जो फिलोसोफर हैं, फिलोसोफर में जो जीवन का जो क्षणिक सुख होता है उसके प्रति आकर्षित नहीं होते हैं, वे लोग दूर की सोचते हैं और दूर की देखते हैं। हम भी एक छोटा सा फिलोसोफर हैं बिकॉज हम भी एक पीएचडी के छात्र हैं और हमें भी फिलोसफी का गुण है, तो ये जो दिख रहा है जो आकर्षण उसमें हम नहीं बनेंगे। हो सकता है बहुत नेता लोग ये चीज जानते होंगे बावजूद इसके फंसे होंगे इस चीजों में। हाँ, फंसे हैं, बहुत सारे नेता फंसे हैं, लेकिन आप नहीं फंसेगा। नहीं फंसेंगे इन आकर्षण में, इन ये तामझाम, ये गाड़ी, ये महंगे महंगे कार, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, इन पर फंसेंगे नहीं। 32 जारी रहेगा, 32 जारी रहेगा। नेताओं के लिए खास संदेश? नेताओं के लिए खास संदेश यही होगा कि सब एकजुट होकर 32 की बात करें, नहीं तो फिर नेपोटिज्म खत्म होगा।